सबको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है और ये टीवी पे जब भी हम देखते हैं गणतंत्र दिवस के समारोह को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, रुएँ खड़े हो जाते हैं और गूज बम्स तो सबको ही आते होंगे, एक्सपेक्ट कि सबको गूज बम्स आते होंगे। अभी तक हमें ये नहीं पता चलता था कि मतलब लोग क्या कर रहे हैं पीछे, बस हम प्रोग्राम देखते थे और उसमें ही हमें इतना प्राउड फील होता था। इस बार मेरी फ्रेंड सुप्रिया सिंह रावत जिसका डांस ग्रुप वहाँ परफॉर्म कर रहा है, तो सारे बैक स्टेज जो रिहर्सल है, जो उनकी मेहनत है, वो मुझे देखने को मिल रही है। तो मुझे और ऐसा लग रहा है कि काश कि हम वहाँ हो पाते और वो सब कुछ सामने से देख पाते जिसके लिए लोग इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं। यह एग्जैक्टली उसमें वंदे भारतम के नाम का एक प्रोग्राम होता है जिसमें 4000 एंट्रीज होती हैं, आउट ऑफ दीज 36 एंट्रीज आर बीइंग सेलेक्टेड एंड उसमें आके फिर लास्ट वन मंथ से इतनी ठंडी में मॉर्निंग में आके आप जिस तरह लोग करते हैं। एक हमारे फ्रेंड है, उन्होंने हरियाणा की भी दी, मेरे को ग्लिम्स दिखाई, उन्होंने स्टेटस लगाया था, लोग मतलब ठंडी में एकदम एक अंडरगारमेंट जो पहलवानों का होता है उसमें वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, परेड राजपथ पे जा रहे थे, तो इतनी ठंडी में भी लोग कर रहे, तो हैट्स ऑफ टू दोज पीपल जो लोग मतलब ये सब करते हैं, मेहनत करते हैं भाई। एग्जैक्टली हम लोग भी चाहेंगे कभी जाना, वहाँ जाएं 26 जनवरी 15 अगस्त। मैं दिल्ली में था जब तैयारी करते थे तो उसमें देखते थे, जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त होते थे लोग रात को मतलब 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को पहले तैयार खड़े होते थे कि नहीं हमको जानना है, इवेंट का पार्ट बनना है। 26 जनवरी को लोग बे कैनॉट प्लेस के एरिया पूरा ब्लॉक ही पूरा एकदम ऐसा रहता था कि सब बस झंडा लेके सब निकलते थे। अभी भी शायद वो एक्साइटमेंट होती होगी, नहीं मुझे लगता होगी ही होगी सबके दिल में, बहुत ही अच्छा है मूवमेंट होता है, प्राउड मूवमेंट है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी मेहनत से इतने वर्षों के जतन के बाद स्वतंत्रता हासिल की, कॉन्स्टिट्यूशन को आज के दिन प्रियम्बल ने एक्सेप्ट किया, इफेक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमको मिले थे आज, तो ये प्राउड फील मूवमेंट है। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारा बिकॉज ऑफ दिस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। आई एम वेरी प्राउड, क्योंकि देखे लग रहा है गूज बम्स। बट स्टिल अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो हम एक दिन जरूर जाएंगे और वहाँ पे जरूर शामिल होंगे उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए, उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। और मैं आपके साथ अभी वो कुछ ग्लिम शेयर करूँगी जो मेरी फ्रेंड ने वहाँ से भेजा है, हमें राजघाट से वहाँ के रिहर्सल की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि उनकी मेहनत और उनकी मतलब क्या वो इतनी ठंड में इतनी लगन के साथ लगे हुए हैं। और आप भी देखो और उन्हें अप्रिशिएट करो। और अभी हम अपना ये प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं और आप लोग हमारी ये वीडियो एंजॉय करिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू सो मच, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन। Thank you.